Hey there, welcome back to my YouTube channel, Medical Simple. I am Hardik Shah, your guide and a mentor for making the medical science very simple. So far, we discuss about the heart, we discuss about the blood pressure, we discuss about the various disease conditions of the heart like heart attack, heart failure, angina, brain stroke, how this blood pressure is related with it. Today, we'll have entirely a new topic of discussion, and that is lipids. When I talk about lipid, जो पहले lipid आपने सुना, तो पहला शब्द जो आपके दिमाग में आएगा, वो क्या आएगा? Fat. वो क्या आएगा? Cholesterol. ये सब चीजें आपके दिमाग में दौड़ने लगती है. ठीक है, burgers, French fries, fats, cholesterol, lipids. क्या ये सब एक ही है? Is a fat and a cholesterol same? Is a fat and a lipid is also same? Or they are the different things? Today I'll give you a simplification of this terminologies. So let us start with the presentation. The first thing is what? Lipid. So the first thing which comes to the mind is what? What are lipids? Lipids hai kya? Let me tell you, lipid जैसी कोई चीज exist नहीं करती है. ठीक है, lipid नाम की तो कोई चीज है ही नहीं. Lipid is a name given to a group of substance. It's a group of biological molecules. Okay. तो पहली चीज एक दिमाग में डाल दो कि lipid जैसा कोई चीज नहीं है. Lipid क्या है? एक umbrella है जिसके नीचे बहुत सारी चीजें आएगी. It's a group. Name given to a group. ठीक है, सो व्हाट कम्स अंडर दिस ग्रुप? ये ग्रुप के अंदर क्या आएगा? देयर आर वेरियस थिंग्स यू विल फाइंड इन दिस ग्रुप. यू विल फाइंड द वैक्स, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिंस, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स. दिस आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स. दिस आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स यू विल फाइंड विद इन द बॉडी. दिस लिपिड्स, whether it is wax, oils, cholesterol, fat soluble vitamins, okay, all are made up of one common constituent, and this constituent is known as what? Fatty acid. Pura lipid hai, whether it is cholesterol, fat soluble vitamins mein kya aayega, A, D, E, K or fats, ye sab cheezon ke andar uska agar aap structure dekhte ho, to ek cheez common mein rahegi aur wo hai ye. और ये क्या है? ये है फैटी एसिड चेन. दिस इज अ फैटी एसिड चेन. तो पूरा लिपिड का ग्रुप जो है वो फैटी एसिड चेन से बना हुआ है. तो फैटी एसिड चेन तो यहां पे रहेगा ही रहेगा. ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल. विल डिस्कस अबाउट दिस इन अ फर्दर स्लाइड्स. ठीक है, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू योर माइंड इज वॉट? डू वी रियली नीड अ लिपिड? ठीक है, आजकल क्या कंसेप्ट चल रहा है? लिपिड माने खराब चीज. ठीक है, फैट नहीं चाहिए, खाने में कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, फैट तो जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, डू वी रियली नीड दिस लिपिड्स? डू वी रियली नीड अ फैट? डू वी रियली नीड अ कोलेस्ट्रॉल? द आंसर इज यस, वी नीड इट. Why do we need it? Because there are various functions being performed only by lipids in the body. For example, let me give you the first function itself, cell membrane. Your body is made up of what? It is made up of cells. And every cell has a cell membrane. हर एक सेल के आगे पीछे एक मेम्ब्रेन होता है विच इज सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम नो द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट. जो सेपरेट होते हैं वो किससे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से होते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड. दिस इज व्हाट द फॉस्फोलिपिड लुक्स लाइक. एज आई सेड, फैटी एसिड चेन यहां पे भी है. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पूरा बॉडी सेल्स का बना हुआ है. और सेल किससे बनता है? सेल का सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? वो बनता है फॉस्फोलिपिड से, माने इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड. लिपिड इज नीडेड. इट्स नॉट ओनली अ सेल मेम्ब्रेन. दिस इज हाउ द सेल मेम्ब्रेन लुक्स लाइक. यू कैन सी हियर.
एवरी सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के हर कोई सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है. दिस इज लेयर वन, दिस इज लेयर टू. अलोंग विद दिस फॉस्फोलिपिड यू ऑल्सो फाइंड अ कोलेस्ट्रॉल, अ पार्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड भी होता है, यह सब क्या है, लिपिड है. अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट एल्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी. फैट्स आर द एनर्जी स्टोर ऑफ योर बॉडी. एम आई राइट और रॉन्ग? फैट्स एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है. वॉट एवर द फूड वी ईट, जिसके अंदर फैट आएगा, नाउ इफ दैट फैट इज नॉट यूटिलाइज, दिस फैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड एज अ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. This is how the fat looks like. Fat is also known as a triglyceride. Iska structure maine aapko bataya. Theek hai. So fat is important. It stores the energy. It's not only storing the energy. Fat is also important for the protection, for the insulations. Liver yahan pe hai. Kidney thoda piche aayega. These organs are well protected with the adipose tissues. Adipose मतलब जो fat की tissues होती है, इसको बोलते हैं adipose tissues. तो ये पूरा insulation दिया, liver को insulate किया, kidneys को insulate किया. Apart from this, steroids are important for the cell-cell communication. Steroids are also a type of lipids. These are the steroids. Again, you will see fatty acid molecule here. Steroids are important for the growth. Steroidal hormones are important for the growth. Steroidal hormones are responsible for sexual development. Steroids are responsible for making your immune system as well. So various functions the lipid is performing in your body. Bahut sare functions hai lipids ke. Theek hai. To lipid to bhai hame chahiye. Theek hai. Now कम टू द प्रॉब्लम पार्ट, ठीक है. अब लिपिड आपको चाहिए, हाउ अ लिपिड रिचेस टू द वेरियस सेल्स. मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड चाहिए, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड चाहिए, वो ये वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो जाना चाहिए आपके सेल मेम्ब्रेन तक. वो जाएगा कैसे, ठीक है. दिस जर्नी हाउ एनीथिंग इन द बॉडी रिचेस टू द पर्टिक्युलर area, it is through the blood. For example, let's say हम carbohydrate की बात करते हैं. मैंने खाना खाया, esophagus से नीचे उतरा, from here it goes to the stomach, stomach to intestine, intestine to liver, liver is pushing the things into the blood. अब blood उसको पूरा circulate करके लेके जाएगा, जिस cell को requirement होगी वहां पे carbohydrate जाएगा, glucose जाएगी, energy देगी. This is how. See, blood is the only communication where no liquid available in the body. एक ही तो communication के लिए चीज है, वो है blood. But what is the problem with the blood, you know? Blood is all about plasma. अब plasma क्या है? Plasma में ज्यादा portion किसका है? पानी. तो we can say blood is water as well. Larger part of a blood is what? Water. Now, blood only can take those things for circulation who are soluble in water. अगर कोई चीज पानी के अंदर soluble ही नहीं है तो वो तो blood में जाएगी नहीं. अभी हम बात कर रहे हैं fats की, हम बात कर रहे हैं cholesterol की, हम बात कर रहे हैं steroids की, phospholipids की, they are the lipids, ठीक है. ये पूरे oil soluble होते हैं, ये पानी में dissolve ही नहीं होंगे. जब ये चीज पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगी तो लीवर से जो जाना है ब्लड के अंदर वो जाएगा नहीं. दिस इज एज सिंपल एज दैट. सो हाउ डू वी ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स इन द बॉडी? इट इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इट इज विद द हेल्प ऑफ लिपोप्रोटीन्स. इट इज विद द हेल्प ऑफ लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स आर द कैरियर, नथिंग एल्स. The name itself indicate lipoprotein. Lipo means lipid, protein means protein. तो एक ऐसी कोई चीज है जो lipid और protein दोनों से बनी हुई है. This is what the lipoprotein is. This is a lipoprotein. Since your triglycerides and cholesterol avoids the water, ठीक है. Sorry.
ये पानी को अवॉइड करते हैं बिकॉज दे आर ऑयल सॉल्यूबल. दे कांट ट्रेवल थ्रू द ब्लड, देन नो, ब्लड से तो ये निकलेंगे नहीं, खुद तो जाएंगे नहीं. एंड दैट्स द रीजन वी नीड वॉट, लिपोप्रोटीन्स. भगवान ने पहले से बना के रखे हैं. इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिपोप्रोटीन, यू सी दिस इज वॉट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिपोप्रोटीन इज. ये लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है. इट कंटेन्स वॉट, लिपिड्स प्लस प्रोटीन. सो वॉट आर द लिपिड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पॉइंट, कौन से लिपिड ये लिपोप्रोटीन में प्रेजेंट है. दिस इज अ फॉस्फोलिपिड. कैन यू सी द लार्जर मेम्ब्रेन ऑफ द लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ वॉट, फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड अलॉन्ग विद द फॉस्फोलिपिड इन द मिडल समवेयर यू विल फाइंड अ कोलेस्ट्रॉल एज वेल. दिस इज अनएस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल, मतलब फ्री कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, कौन सा फ्री कोलेस्ट्रॉल? दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं. एक रहता है अनएस्टरीफाइड माने फ्री, दूसरा रहता है एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल. एस्टरीफाइड मतलब किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है, एस्टरीफिकेशन हुआ है. ठीक है, तो यहां पे ऊपर ऊपर आपको क्या दिखा? ऊपर ऊपर आपको तीन चीजें दिखेगी. यहां पे दिखता है फॉस्फोलिपिड, फिर बीच बीच में कहीं ना कहीं पे कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा चीज आता है लिपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन भी है इसके अंदर. सो देयर इज एपोलिपोप्रोटीन, द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज व्हाट, एपोलिपोप्रोटीन. वेरियस टाइप्स ऑफ एपो आर देयर, दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो तीन चीज लिपोप्रोटीन का बैरियर बनाती है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलिपोप्रोटीन. ऑल दिस थ्री आर वाटर सॉल्यूबल. फॉस्फोलिपिड एज सच कैन नॉट एंटर इन द ब्लड डायरेक्टली. व्हाई? बिकॉज इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? लिपिड. ये फॉस्फोलिपिड है, बट सी इफ यू सी द फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर, जो ऊपर का ये हेड है, दिस इज पोलार. पोलार मतलब वाटर सॉल्यूबल है. okay. अंदर का टेल है, दैट इज नॉन पोलार, माने वाटर सॉल्यूबल नहीं है, दैट इज ऑयल सॉल्यूबल. ठीक है, अकेला फॉस्फोलिपिड ब्लड में जाएगा? नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि ये ऑयल सॉल्यूबल है. बट इसने क्या बना दिया? एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया. अब ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लड में जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि बाहर का पूरा ही वाटर सॉल्यूबल है. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एज सच, कोलेस्ट्रॉल हैज अ टू मॉलिक्यूल्स, एच एंड ओ एच. एच इज नॉट वाटर सॉल्यूबल, ओ एच इज वाटर सॉल्यूबल. ये ओ एच वाला पार्ट यहां पर रहेगा. प्रोटीन्स तो वैसे ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं. So entire lipoprotein, okay, the outer layer of our lipoprotein is water soluble, but at the same time, see, you see the core of lipoprotein is made up of what? Triglycerides, mane fats, and cholesterol. Cholesterol or fats se andar ka jo bana hua hai wo cholesterol or fats se bana hua hai, that is completely oil soluble. Theek hai, so this is what the carrier is. Ab ye carrier kaam kaise karega? This carrier, lipoprotein is a carrier. Who makes lipoprotein? आपका liver ही lipoprotein बनाएगा. ठीक है, liver क्या करेगा? Lipoprotein को बनाएगा. Cholesterol और fat को इसके अंदर डालता है, फिर धकेल देता है कहां पे? Blood में. Are you getting it? Now lipoprotein enters into the blood. एक बार ये blood में गया, blood में अभी जा सकता है. क्यों जा सकता है? क्योंकि बाहर का क्या है? Water soluble. It reaches to the cell. एक बार सेल में गया, क्या लेके आया था लीवर से? कोलेस्ट्रॉल या तो फैट लेके आया था. उसने वो सेल को फैट दिया, कोलेस्ट्रॉल दिया, एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू व्हाट? लीवर. वो वापस से लीवर में आ जाएगा. दिस इज हाउ द लिपोप्रोटीन एक्ट एज अ कैरियर. लिपोप्रोटीन एक्ट एज अ कैरियर फॉर व्हाट? कोलेस्ट्रॉल एंड द फैट. व्हेन आई टॉक अबाउट द लिपोप्रोटीन्स, कोई एक लिपोप्रोटीन नहीं है. There are types of lipoproteins, various types of the lipoproteins present in the body. Majorly four types. As such, there are five types. It all starts with the chylomicrons, VLDL, IDL, LDL, HDL. But out of the lot, IDL is not universally accepted thing. ज्यादा सब जगह पे IDL का acceptance नहीं है. So we'll not discuss on the IDL. But we'll discuss on what? Chylomicrons, VLDL. We'll discuss on the LDL and HDL.
There are different types of lipoproteins involved in different types of functions. Different lipoproteins, different functions. Before I'll tell you the function, let me tell you the structure of this lipoprotein. See, aapko ye chylomicrons dikhta hai? Chylomicrons ke andar maximum, you can see the 90% is what? Triglyceride. Fat se bani hui cheez hai puri. Similarly, you will see 65% triglyceride in the VLDL. VLDL stands for what? Very low density lipoprotein. VLDL, very low density lipoprotein. Yeah. This chylomicrons and VLDL are involved in transportation of fat. Chylomicrons or VLDL kya karenge? Fat ko transport karte hai. Ye cholesterol ko touch nahi karte hai. किसको ट्रांसपोर्ट करके? फैट को ट्रांसपोर्ट करते हैं. स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट दे ट्रांसपोर्ट द फैट. एलडीएल, एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. एलडीएल, एचडीएल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. दे डू नॉट टच द फैट. ये फैट को टच नहीं करते. ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी वन बाय वन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड, ये ट्राइग्लिसराइड है. मैक्सिमम कहां पे? यहां पे. फिर सेकंड यहां पे. यू विल सी यहां पे आपको ट्राइग्लिसराइड निग्लिजिबल, बहुत ज्यादा नहीं है. ट्राइग्लिसराइड इज अ फैट. फैट इज अ बिगर मॉलिक्यूल. प्रोटीन के कंपेरिजन में, कोलेस्ट्रॉल के कंपेरिजन में फैट बड़ा सा मॉलिक्यूल है. एंड दैट्स द रीजन यू विल सी काइलोमाइक्रॉन्स का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट ज्यादा है. फिर VLDL, फिर IDL, फिर LDL, HDL इज द स्मॉलेस्ट वन. HDL इज द स्मॉलेस्ट वन. व्हाई HDL इज द स्मॉलेस्ट वन? बिकॉज HDL इज हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. HDL के पास सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है. यहां पे प्रोटीन है ही नहीं, निग्लिजिबल, इट्स जस्ट 1%. ठीक है. सेम टाइम LDL यू सी इज हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट. पूरे पांच देखोगे तो ग्रीन कलर यहां पे सबसे ज्यादा है. कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा कहां पे रहता है? LDL के अंदर रहता है. फैट ट्राइग्लिसराइड किसमें रहता है? काइलोमाइक्रॉन्स में रहता है. ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे बड़ा किसका है? काइलोमाइक्रॉन्स का है. सबसे छोटा किसका है? HDL का है. सो वन थिंग इज क्लियर नाउ कि टू लिपोप्रोटीन्स, काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट. LDL, HDL ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके, हाउ एग्जैक्टली डू दे फंक्शन? कैसे काम करते हैं? लेट मी शो यू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स. नॉट लिपिड्स, इट्स अ लिपोप्रोटीन्स. व्हेन आई टॉक अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स, एज आई सेड, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट. तो ये फैट कहां से कहां जाएगा? ठीक है, वॉट एवर द फूड वी ईट, सीधा गया यहां स्टमक, स्टमक टू इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन. ठीक है, ये वाला जो है काइलोमाइक्रॉन, जो भी फैट आपके खाने में रहेगा, जैसे आपने फ्रेंच फ्राइज खा लिया, या तो आपने बर्गर्स खा लिया, या तो पिज्जा खा लिया, उसके अंदर जो भी फैट रहेगा, this triglyceride will be picked up by whom? This is going to be picked up by the chylomicrons, and this chylomicrons will take it to the various part of the body. Body ke alag 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 jagah pe wo leke jayega. Theek hai, VLDL wo bhi to fat transport karta hai, but ye aapke khane se jo fat aata hai usko touch nahi karega. What VLDL does is, VLDL jayega liver ke paas. लीवर मेक्स द फैट. ठीक है, लीवर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है. तो जो नया फैट आपके लीवर में बनेगा, दैट फैट विल बी टेकन अप बाय द VLDL. VLDL क्या करता है? रिच इन ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस इन द लीवर. लीवर ही VLDL को बनाएगा, एंड इट ट्रांसपोर्ट द ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द लीवर टू द टिश्यूज. लीवर से उठा के अलग अलग टिश्यूज में फैट को डालेगा. ठीक है, खाने वाला है वो काइलोमाइक्रॉन्स, लीवर वाला है दैट इज बीन टेकन अप बाय द VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ठीक है, फैट का हो गया. अब बचे कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और दो चीज, LDL एंड HDL. LDL दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. LDL इज व्हाट? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कम डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन है. डेंसिटी कम ही है ना, उसका साइज कम है, बिकॉज फैट कम है.
ठीक है, इट्स अ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नाउ सी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सॉरी यहां पे प्रोटीन का कंसिडरेशन होगा, प्रोटीन कम है तो उसका डेंसिटी कम है, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन व्हाट इट डज, इट ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल टू द टिश्यूज टेकन अप बाय द एलडीएल रिसेप्टर। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बनेगा या जो भी कोलेस्ट्रॉल आपके खाने में आएगा, पूरा कोलेस्ट्रॉल है वो कौन उठाएगा, वो उठाता है एलडीएल। एलडीएल उसको उठा के लेके जाएगा वेरियस टिश्यूज के अंदर, अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर। LDL is considered as a bad cholesterol. Why LDL is considered as a bad cholesterol? भाई तो अच्छा है ना, अगर LDL नहीं होता तो आपके सेल्स तक तो कोलेस्ट्रॉल ही नहीं जाता, तो सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनता, तो फिर LDL क्यों खराब हो गया? Anything in excess is bad for the body. जब LDL बहुत ज्यादा हो जाएगा, so what will happen? More and more cholesterol will be taken up from the liver to the various parts of the body, including blood vessel. अब blood vessel में cholesterol ज्यादा हो जाता है तो cholesterol क्या कर देता है? Deposit कर देता है. You go back to the atherosclerotic. ना एथ्रोस्क्लेरोसिस में वापस जाइए, पुराने वीडियोस के अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है व्हाट इज एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? फैट डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है। ये कोलेस्ट्रॉल कौन लेके आया? एलडीएल लेके आया, एंड दैट्स द रीजन एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एज सच एलडीएल इज नीडेड, विदाउट एलडीएल वी कैन नॉट सर्वाइव, बट ज्यादा हो गया प्रॉब्लम है। कम टू द एचडीएल पार्ट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ही डेंस है। वाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ प्रोटीन, लॉट ऑफ प्रोटीन इज देयर इन द एचडीएल। 55% एचडीएल इज अ प्रोटीन। व्हाट इट डज, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल, बट ये पूरा उल्टा काम करेगा। एलडीएल क्या करता है? लीवर से उठाया कोलेस्ट्रॉल को, डाला कहां पे? टिश्यूज के अंदर। एचडीएल क्या करेगा? जो एडिशनल कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ है टिश्यूज के पास, लेट से ब्लड वेसल्स के पास, इट विल टेक इट बैक टू व्हाट? लीवर। उसको वापस से लीवर में लेके आएगा। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लीवर एंड ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द टिश्यूज टू द लीवर। उठा के वापस लेके आया लीवर के अंदर, लीवर क्या कर देगा? उसको निकाल देगा, एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है। सो एचडीएल क्या कर रहा है? आपका कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज से कम कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन इट इज नोन एज गुड लिपोप्रोटीन। बिकॉज लेट अस अज्यूम एचडीएल अच्छा है आपका, व्हाट हैपेंस? वो ब्लड के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देगा और वहां से कोलेस्ट्रॉल वापस नीचे लेके आता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स द रीजन एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द स्लाइड। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स टेक द फैट फ्रॉम द फूड, जो इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, वहां से जो फैट आएगा वो जाएगा टिश्यूज में। VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, टेक द फैट फ्रॉम द लीवर टू द टिश्यूज। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, टेक द कोलेस्ट्रॉल, होल कोलेस्ट्रॉल, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द लीवर टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। HDL डू द रिवर्स, वो टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल लेके नीचे उतार देगा लीवर के पास। Going next, this is ATP3. ATP stands for Adult Treatment Panel 3. Adult Treatment Panel 3 classification. According to the ATP3, आपका lipid profile क्या होना चाहिए? Your cholesterol should be maximum. TC stands for total cholesterol. आपका total cholesterol 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. If you'll go and check your lipid profile, तो आपको ये पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200। एलडीएल, एज आई सेड, इट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, इट डज द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट शुड बी लेस देन 100 mg पर डीएल। ये 200 mg पर, mg पर डीएल इज व्हाट? इट इज द यूनिट। तो ये कितना होना चाहिए? 100 से नीचे होना चाहिए। एचडीएल, जितना एचडीएल रहा उतना अच्छा, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। मिनिमम इट शुड बी 40। मिनिमम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। एचडीएल शुड बी मिनिमम 40। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्राइग्लिसराइड फैट्स, वेरी वर्स्ट थिंग। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फिर भी ठीक है, फैट्स आर रियली रियली बैड फॉर द बॉडी। बहुत ज्यादा खराब होते हैं फैट्स।
ठीक है, विल डिस्कस अबाउट द ट्राइग्लिसराइड्स एज वेल इन नो मोर ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड्स, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, बट इन जनरल यू कैन कंसिडर फैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द बॉडी, सो लेस देन 150 mg/dL, दिस इज वॉट द नॉर्मल लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द फैट अकॉर्डिंग टू द ATP3 गाइडलाइंस. नाउ If your levels are disturbed, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, टोटल LDL-C बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया या HDL कम हो गया, this condition is known as what? Dyslipidemia. This means what? Disturbance. Disturbance in the lipid, that is dyslipidemia. We do consider dyslipidemia as hyperlipidemia as well, but yeah, hyperlipidemia ekdam. No, it's not directly connected with the dyslipidemia are of two types. It could be hypo, it could be hyper. Yeah, lipids kam ho sakte, yeah, lipids zyada ho sakte. But the kind of a lifestyle that we people are living in, hamara kam hone ka koi sawal hi nahi hai. Hamara kya hoga? Zyada hi hoga. That is hyperlipidemia. Where your lipid levels such as cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, LDL-C, triglycerides, HDL-C, they all are imbalanced. और hyper में तो क्या है? वो बड़े हुए हैं, HDL आपका घट जाता है, बाकी के तीन बढ़ जाते हैं. That is what dyslipidemia is. To correct the dyslipidemia, we'll see the treatment options as well. This dyslipidemia are of two types. डिसलिपिडेमिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. 60% केसेस आर अ प्राइमरी. इट्स ऑल अ प्योर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बिकॉज योर जीन्स आर लाइक दिस, बिकॉज ऑफ योर फादर इज हैविंग और अ मदर इज हैविंग इट, और प्रोबेबली योर द प्रीवियस जनरेशन ग्रांड फादर ग्रांड मदर इज हैविंग इश्यूज विद द डिसलिपिडेमिया. Your genes will get modified at some point of your life. 40 के बाद, 50 के बाद कुछ genes modify हो जाते हैं, and that gives you what? That gives you the dyslipidemia. More importantly, hyperlipidemia. ठीक है. तो यहां पे कोई कॉज नहीं है, आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, फिर भी आपको क्या हो जाता है? लिपिड का इश्यू आता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक इश्यूज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सेकेंड इज वॉट? सेकेंडरी डिसलिपिडेमिया. नाउ सेकेंडरी डिसलिपिडेमिया is not because your father or mother or grandparents are having issues. 40% of a cases related with what? Secondary dyslipidemia. What is secondary? यहां पे problem lipid का है नहीं, problem किसी और चीज का है, और lipid उसके response में बढ़ता है. Let's say for example a person suffering with the diabetes, thyroid, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, किडनी फेल हो जाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, अल्कोहल, हिज ऑन ड्रग्स, दिस आर द थिंग्स विच विल कीप योर लिपिड्स एलिवेटेड. और जितना अल्कोहल दारू पियोगे, अल्कोहल कीप्स द लिपिड्स अप. सो प्रॉब्लम इज नॉट लिपिड, प्रॉब्लम इज अल्कोहल. प्रॉब्लम इज नॉट लिपिड, प्रॉब्लम इज डायबिटीज. अ पर्सन हैविंग अ डायबिटीज फॉर द 5 years, 10 years, 15 years is bound to get this hyperlipidemia. आने की chances जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाता है. This is secondary hyperlipidemia or secondary dyslipidemia, where the problem is not gene, problem is something else which leads to what? Dyslipidemia. So when you have a dyslipidemia, or to be precise, hyperlipidemia, there are various treatment options available. बहुत सारे treatment options available है. पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस होते हैं. यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली सो दैट आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए, या आए हैं तो फिर मैनेज हो जाए. रिड्यूस द फूड विद द कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस द फूड विद द फैट्स, ओके, हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज, डू मेडिटेशंस, डू योगास, ओके, हैव अ लीफी वेजिटेबल्स इन द डाइट. दिस आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस. इफ it doesn't work, then there is always drugs available with you. HMG-CoA reductase inhibitors, all your statins, lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin, rosuvastatin, they work to reduce your lipid levels. Fibrates,
clofibrate, fenofibrate, gemfibrozil. Again, it's an anti-hyperlipidemic. Bile acid sequestrals like a cholestipol or a cholestyramine. LDL oxidation inhibitor like a probucol, pyridine derivatives, nicotinic acid, nicotinamide, widely used anti-hyperlipidemic drug. Okay. Cholesterol absorption inhibitors like azetimib and some miscellaneous are also there. Next video, we will focus on mechanism of action, how exactly the statin works, how exactly this fenofibrate works. We'll meet shortly in a next video.